हमारे खाने की? हाँ, आप भी हेल्प कर दो कुछ आके। नहीं, खाना तो तुम्हें बनाओ, ऐसा तुम बनाओ और मेरे को टेस्ट कराओ, मतलब मैं बताऊंगा कि कितना अच्छा और टेस्टी बना है। ऐसा नहीं होता, अगर फेस्टिव का कोई खाना बनता तो हस्बैंड वाइफ मिलके बनाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम मिल के ही तो बना रहे ना, तुम बनाओगे, हम टेस्ट कर बताएंगे तुम्हें। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ, अब होप आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, घर वालों का ख्याल रखो। तो आप वीडियो का टाइटल से तो आप लोग को पता चल गया होगा ब्लॉग आज किस टॉपिक पे। सो बिना किसी देरी के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे शॉपिंग करने के लिए परमिशन दिया आज, तो मैंने सोचा इस ऑफर को कौन ठुकरा सकता है। सो मैं सोची चलो आज अभी दोपहर हो रहा है, चलो शॉपिंग कराते हैं। वो अदरा वाला प्लानिंग तो रात का है, तो फिर बिना किसी देरी के मैंने फटाफट रेडी हो गई, कहीं इनका मूड चेंज हो गया तो फिर मैं फंस जाऊंगी। तो फिर आप वीडियो को बने रहें, होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। हेलो, हम आ गए हैं, नाश्ते में हैं और बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए इनका और इनके मूड को बिना चेंज किए मैं इनको लेके आ गई शॉपिंग के लिए। टाइम का बर्बादी है शॉपिंग में, कुछ भी नहीं है। अच्छा, टाइम का बर्बादी। लॉकडाउन थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन क्या मिला, लोग जो है मतलब ये शॉपिंग वो शॉपिंग है, ऐसा वैसा, यहाँ चलो वहाँ चलो, शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो इतने दिन शॉपिंग नहीं किया तो अब तो करनी है ना, अब तो लोग मॉल में ही गए। इतने दिन तक जेल में बंद थे ना, अब थोड़ा सा रिहाई मिल रहा है जैसा। हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें और देखिए कि इनका मैंने कितना पॉकेट ढीला किया है। कोई पॉकेट ढीला नहीं होगा, सब अपने पैसे से करना। देखते हैं कौन अपने पैसे से करता है, कौन क्या करता है। तो ये इसका शॉपिंग शुरू। देखो देखो, आज तो आप कौन, मेरे को पेमेंट ही नहीं करना है, सब पेमेंट तुमको करना है, तो लूटोगा तुम। आप ही का पैसा है ना। One eternity later. सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं, हो गया हमारा मार्केटिंग, इनका पॉकेट मैंने ढीला कर ही दिया। सो बाहर बहुत गर्मी है, मैं चेहरे पे देखा आप कितना पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है। और बस आप किचन की तरफ जाएंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, इनको पिला देते हैं चाय, वरना ये मुझे मारेंगे। मैंने इतना शॉपिंग कर लिया और मुझे एक चाय भी नहीं दिया, तो फटाफट मैं इनको चाय देती हूँ बना के और कुछ स्नैक्स दे देती हूँ। उसके बाद मैं रात के लिए तैयारी करूँगी। आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को एंजॉय करें और देखें कि हम कैसे आर्द्रा मना रहे हैं। और हाँ, ये क्यों मनाते हैं, जो बिहारी है वो तो समझ जाएंगे, बट ये क्यों मनता है, क्या कारण है इसके पीछे मनने का, वीडियो पे बने रहे लास्ट तक, हम लास्ट में जरूर आपसे शेयर करेंगे। सो दोस्तों, बिहार में मनाए जाने वाले काफ़ी सारे त्योहारों में से एक त्यौहार यह भी है, आर्द्रा नक्षत्र का। तो कहते हैं सौर्य मंडल में मौजूद 27 नक्षत्रों में से ये छठा नक्षत्र है, जिसके स्वामी हैं राहु। और इस नक्षत्र जो है ये 22 जून से शुरू हो चुका है और करीब 6 जुलाई तक ये अंत होगा, और इसके दौरान शिव की पूजा की जाती है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छे व्यंजन बनाने की प्रथा भी बिहार में इसके पीछे है, जहाँ पर ख़ास करके खीर और पूरी बनाया जाता है, और पूरी में भी बड़ी एक स्पेशलिटी होती है, इसके अंदर में दाल को भर के पूरी बनाया जाता है और सब्जियां होती हैं, और स्पेशलिटी एक और है आम,
आम का बड़ा महत्व है मीठे का, और यूँ अमूमन लोग एक दूसरे को घरों में इनवाइट करते हैं सो दैट कि वो ये जो व्यंजन है उन्हें खिला सकें, जिससे कि हर किसी के जीवन में खुशहाली बनी रहे। सो हम आपको आज दिखाएंगे हमारे ब्लॉग में कि हमने इसको कैसे बनाया और हमने अपने घर में क्या नए व्यंजन बनाए हैं। सो आज मेड नहीं आई क्या, खुद से करना पड़ रहा है तुमको? मेड कैसे आएगी, ये 3 बजे आती है वो शाम का बर्तन धोने। तो मेड नहीं आने से परेशानी, और मेरे ख्याल से आज आद्रा के प्रिपरेशंस में ये है, आप देख सकते हो कुकर में शायद कुछ बॉईल किया है और ये जो है दाल सोख करके रखा है। क्या खा रहे? वाह, खाओ खाओ खाओ। ऐसे कौन करता है, मतलब मिठाई खत्म हो गया, मिठाई खा के खाली डब्बा किस कौन रखता है फ्रिज में? खत्म हो गया, मैं नहीं पता। मुझे मैंने नहीं है। अच्छा बेटा, नहीं मैंने नहीं खाया यार, मिठाई खा के और फ्रिज में खाली डब्बा रखने का, मैंने खाया ही नहीं है जबरदस्ती। जब इसको फेंक दिया करो ना, खा लिए। जब खाया ही नहीं तो क्यों एक्सेप्ट करे की खाया है? तो क्यों, कौन खाया, तीसरा कौन है? पता नहीं, तू नहीं खाया मैंने नहीं खाया। यहाँ हो रही है काफी सारी सफाई, खाना मेरे ख्याल से बन गया क्या आज का जो तुम्हारा स्पेशल था आर्द्रा नक्षत्र के लिए? नहीं अभी नहीं बना, बस अब बनेगा। अभी गैस साफ कर रही हूँ क्योंकि इस पे लहसुन प्याज बनाना। ओके, तो लहसुन प्याज की वजह से उसको धो के साफ किया है। भगवान को भोग लगेगा, अब भोग का जो आइटम बनाना है तुम्हें उसके लिए काफ़ी सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। गुड गुड यार, यहाँ तो दाल अभी भी सोख्ड ही है, और ओहो अभी तक बना नहीं है कुछ भी। क्या बात कर रहे हो, खाना बन गया, वो एक्स्ट्रा हो गया था इसलिए बच गया। देखो अच्छा, वो एक्स्ट्रा अभी वो दाल ये हो गया, खीर बन गया। वाओ, सब वो के लिए बना के और फिर आपका खाना निकाल दूंगी। ओके चलो, आई एम वेटिंग। वन इटर्निटी लेटर। सो मेरे ख्याल से खाना हो चुका है रेडी, और अब ये मेरे लिए मेरे पर्सनल डाइनिंग टेबल पे आने वाला है। आओ लेकर आओ। डाइनिंग टेबल होते हुए आप डाइनिंग टेबल पे खाते नहीं तो हो। ये डाइनिंग टेबल पे हमारा ये अरेंजमेंट पड़ा हुआ है, ये हमारा डाइनिंग टेबल व्यस्त है, सो हम उस पर कभी खाते नहीं है। और उसके पीछे रीज़न है कि बगैर टीवी देखे हुए तो हम कुछ खाना खाते नहीं है। सो ये हमारा पर्सनल डाइनिंग टेबल हमारे टीवी के सामने, खा लो। आ जाओ अपना भी लेकर आ जाओ, फटाफट बताओ कैसा बना है। आओ लेकर आओ, फिर अपना भी प्लेट लेकर आओ, फिर खाएंगे। जल्दी करो। ठीक है, मैं सो ये रहा हमारा सेलिब्रेशन वाला खाना, आप देख सकते हो बेहद स्वादिष्ट आलू परवल की सब्जी और ये दाल स्टफ्ड पूरियां, शानदार सा खीर और सबसे स्पेशल ये आम। तो हमने तो हमारा रेडी कर लिया है एंड हम लगे हैं अब डिनर करने, और होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आर्द्रा नक्षत्र के बारे में जो जानकारी आपने सुनी वो अच्छा लगा होगा, क्यों और कितना मेहनत लगा ये बनाने में ये भी ज़रा बताओ। देखो 4 आवर्स, 4 घंटे लगे इनको ये सब ताम झाम क्रिएट करने में, और उम्मीद करता हूँ कि बेहद टेस्टी होने वाला है ये। सो आप लोग भी जाकर अपना डिनर करें और ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आप लोग भी मिस कर गए आर्द्रा मनाना तो मनाओ, मना लो आप, मनाओ। सो आप अपने घरों में अच्छा अच्छे व्यंजन आप बनाएं और ज़रूर से ये आर्द्रा का त्यौहार मनाएं। फटाफट खा के बताओ कैसा, और हम अब फटाफट खा के ज़रा बताएं इनको। तो खीर बहुत टेस्टी है, फिर ड्राई फ्रूट्स, मज़ा आया, और आप लोगों को ये ब्लॉग देखकर मज़ा आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। कमेंट ज़रूर करना, इन्होंने बहुत मेहनत की है तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वंस अगेन एंड गुड नाइट।